कई प्रकार के कई कई स्तर है प्रभु जी। एक स्तर तो ये है कि जैसे मैं जप के हिसाब से बताता हूँ, एक स्तर तो ये है कि मैं जप ना करूं तो अपराध लगेगा, क्योंकि मैंने गुरु महाराज को ये वाणी, ये वाक्य दिया है, शपथ खाई है, प्रण लिया है कि मैं प्रतिदिन कम से कम 16 माला जपूंगा, तो ना जपूं तो पाप लगे, इसलिए पाप ना लगे इसलिए मैं जपूं। ये एक स्तर हुआ। दूसरा स्तर ये हुआ कि अगर मैं नाम जपूं तो मेरा चित्त शुद्ध होगा। तीसरा स्तर ये है कि नाम जपूंगा तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी। चौथा स्तर ये है कि नाम जपूंगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, तो क्यों ना वो हो जाए। और फिर एक स्तर है कि नाम जपने से भगवान को संतोष मिलता है। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में, देखिए बहुत, ये एक बहुत सुंदर बात है, एक ऐसा एक नर्व टच हो रहा है अब जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं भक्तों को भीख मांग कर यही मैं याचना करता हूँ कि 2 मिनट अगर आप दें अपना समय, तो ये बहुत बहुत गहरा बात है, गहरी बात है कि चैतन्य महाप्रभु इस जगत में, ये कृष्ण भगवान है जो भक्त बनने आए, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। तो भगवान कृष्ण राधारानी के भाव से महाप्रभु बन के आते हैं और देखिए कितना कष्ट उनको होता है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। देखिए किन्हीं व्यक्ति को आंखों से नेत्र आंखों से नेत्र जल गंगा प्रवाहित हो, नाक से प्रवाहित हो, मुख से फेण हो, शरीर पसीने से लथपथ हो, शरीर के रोम रंध्र से खून प्रवाहित हो, रक्त प्रवाहित हो, शरीर के आकार बदलने लगे, कांति बदलने लगे, कभी कभी कूर्म भाव से छोटे हो जाए, कब हाथ और पैर निकल जाए शरीर से, कभी भाव विभोर होकर ऐसी स्तब्ध स्थल अवस्था में रहे पत्थर की तरह, 21 घंटे ना बोले, अचेत अवस्था में पड़े रहे, कई कभी कभी प्रलाप करे, अलग अलग गीत गाए, अलग अलग डिसकनेक्टेड चीज बोले, कभी छलांग लगाए तो कभी हड्डियों के ढांचे की तरह गिर जाए। देखिए कितना दुख सहना पड़ता है भगवान को एक भक्त बनने के लिए, कितना दुख है। चैतन्य, ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु महाभाव में स्थित है, पर हमारे दृष्टिकोण से तो दुख है ना। महासागर में देखो तो उनके उनका श्रीमुख, उनके श्री कमल हाथ, फिर पैर, सब अलग अलग अंग, अलग अलग विभाजन होकर शरीर में तैर, महासागर में तैर रहा है। तो ये बहुत दुख अनुभव करना पड़ता है स्वरूप दामोदर राय रामानंद को। महाप्रभु कभी कभी तो रात में बाहर निकलने के लिए इतना बेचैन हो जाते हैं कि भागते हैं और सिर टकरा जाता है दीवार से और खून रक्त प्रवाहित होने लगता है। तो इतने दुख में महाप्रभु है, एक ही चीज भीख मांगते हैं हमसे, प्रभु आज्ञाए भाए मांगे ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारे एई देश, चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ लव चैतन्य नाम, चैतन्य भक्ति जय करे सही मोर प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेर संसार करो छड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। ये महाप्रभु के एक ये उपदेश है कि मुखे हरि बोल भाई ए मात्र भिक्षा चाहे, कि अगर मुझे सुखी करना चाहते हो तो नाम रटो। नित्यानंद प्रभु लोगों के चरण धरकर सोनार पर्वते जाए धूलाटे लोटाए, सोनार पर्वत, सोने के पर्वत धूली में लोटपोट होकर चरण स्पर्श करके बोलते नाम रटो। हरिदास ठाकुर भीख मांग रहे हैं नाम, नित्यानंद प्रभु भीख मांग रहे हैं, अनंत शेष बलराम भीख मांग रहे हैं, और महाप्रभु इतने दुख की अवस्था में कहते हैं कि मुझे सुखी करना चाहते हो तो नाम रटो। तो यदि व्यक्ति ये सोचे मैं कुछ नहीं चाहता नाम भजन से, मैं नाम इसलिए कर रहा ताकि मेरे महाप्रभु सुखी, इतने दुख में रहने वाले श्रीमान महाप्रभु को सुख मिले, नित्यानंद प्रभु मेरे चरण को स्पर्श ना करे इसलिए मैं नाम रट रहा हूं, हरिदास ठाकुर को सुख मिले इसलिए नाम रट रहा हूं, तो ये सर्वोत्तम है स्थान जहां मुझे नाम से कुछ नहीं चाहिए, नाम करना है ताकि भगवान की संतुष्टि मिले।